सो हेलो व्यूअर्स, दिस इज अजय, यू आर वॉचिंग टेक स्कूल। सो गाइस, आज का वीडियो आपको पता चले गया होगा यार, थंबनेल देखकर किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो यार देखो, मैं मतलब यार अपने फ्रेंड्स को काफ़ी टाइम से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन यार मतलब वो लोग थोड़े कैमरा कॉन्शियस हैं, लेकिन फाइनली मैंने कन्विंस कर लिया है। ठीक है, पिछले 8-10 दिन से मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, भाई वीडियो में आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज फाइनली यार उसने बोला कि हाँ ठीक है, और वो दो फ्रेंड्स जो मेरे हैं वो एक साथ ही थे। तो फटाफट मैं अभी D2 के लिए निकल रहा हूँ, उनका इंटरव्यू शूट करेंगे और ट्राई करेंगे यार आज ही अपलोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी हो रहे हैं 2:15 के आसपास हो रहा है अभी टाइम, तो मैं फटाफट निकलता हूँ, मैं 3:15 के अराउंड पहुंच जाऊंगा DTU, वहां जाके शूट करते हैं फिर। ठीक है, सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं PG पे। ठीक है, हे संयम, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, हाय, एंड उत्सव, पूरा नाम उत्सव गोयल। ठीक है, तो यार ये हैं अपने भाई लोग, लास्ट वीडियो में संयम को देखा था, इस वीडियो में हम उत्सव को भी ले आए साथ में। सो गाइज, ये यार काफ़ी डिमांडिंग वीडियो होने वाला है। आप लोग बोल रहे थे यार अगर हम 10th में हैं, हम 11th में हैं, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या हम एक साल में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें ड्रॉप करने की ज़रूरत ना पड़े, हम कैसे 11th 12th में पढ़ें, हम फिजिक्स कैसे करें, हम केमिस्ट्री कैसे करें और मैथ्स कैसे करें। ठीक है, तो यार आज का वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होने वाला है कि मतलब यार उत्सव भाई हैं, इन्होंने भी 11th में नहीं पढ़े थे अच्छे से, लेकिन 12th में पढ़ के खुद से क्लियर करा है। यहाँ पे हैं संयम भाई, इन्होंने भी यार 11th 12th में मतलब खुद से ही पढ़ के क्लियर करा है। ठीक है, तो यार ये ज़्यादा काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है लोगों के बीच में कि कोचिंग जाना ज़रूरी होता है। तो यार देखो, आज मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिना कोचिंग जाए उन्होंने क्लियर करा है। ओके, तो चलिए यार ज़्यादा उन्हीं से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं उत्सव के साथ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 10th के बाद से। मतलब ठीक है, तो 10th ख़त्म हुई, फिर क्या है मन में, साइंस लेनी है? यार मुझे कुछ पता तो था नहीं, अब मेरा ऐसे था, मेरे को बड़ों ने बता रखा था कि साइंस के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। मतलब साइंस वाला कॉमर्स स्ट्रीम में भी जा सकता है और उसकी खुद की तो होती है। अच्छा। तो इसलिए मैंने साइंस ले ली, ऐसा कोई लगाव तो था नहीं। अच्छा। इसलिए ली थी। और संयम भाई आपका +1? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो था यार, देखो साइंस कैसे मिली, जनरली हर लोग सभी लोगों को ऐसे ही मिलती है साइंस। हम लोगों ने भी यही देखा था यार, साइंस के बाद बहुत स्कोप है, तुम कोई भी स्ट्रीम में घुस सकते हो। ठीक है, और बाकी साइंस मैथ्स थोड़ी पसंद आती थी, नंबर आ जाते थे मेन बात ये है। ठीक है, अब उसके बाद IIT-JEE की चिड़िया के बारे में कब पता चला? 11th में घुसे भाई, हाँ हाँ, सभी फिटजी रहने चले गए दोस्त बंधु, हाँ हाँ, हम देख रहे पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, हमने भी घर पे बोला कि करवा दो, कुछ हो जाएगा। हाँ घर वाले बोलते कुछ नहीं होता, हमने भी सोच लिया कुछ नहीं होता, तो फिर नहीं गए। अच्छा, और नहीं मतलब IIT-JEE के बारे में पता दोस्तों से ही चला था? हाँ, उसके बारे में तो दोस्त वगैरह ही पागल हो रखे थे कि भाई IIT जाएंगे, हाँ हाँ, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा। हम क्या, फिर हमें भी जिज्ञासा जागी भाई पैसे वाली चीज़ों पे तो जाना चाहिए। और संयम भाई आपका? जा नहीं पाए। अच्छा, मेरा भाई मन था VMC ज्वाइन करने का, मैंने अपने दोस्तों को पूरा मोटिवेट करा, मैं भाई VMC चल लो सारे, बट मतलब फिर IIT के बारे में कैसे पता चला? IIT के बारे में यार दोस्तों से ही पता चला था, एक दोस्त था वो IIT दिल्ली में, अभी उसने अपना 10th में VMC ज्वाइन कर लिया, तो उसके थ्रू मेरे को पता चला था। अच्छा भाई IIT, हाँ। अच्छा, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई चलो सारे VMC चलते हैं, वो भी गया हुआ है, हम भी सारे चलते हैं, कुछ हो जाएगा। बट सारे दोस्त लोगों को ये था अबे घर के पास ही कर लेंगे ज्वाइन, जिसका होना होता होता है, जिसका नहीं होता कहीं से नहीं होता। फिर पीयर प्रेशर में दोस्तों के साथ वही मैंने ज्वाइन कर लिया जहाँ सब कर रहे थे स्कूल के दोस्त, फिर बाद में VMC का कॉरेस्पॉन्डेंस लिया था। अच्छा ठीक है, तो मतलब यार IIT-JEE के बारे में क्या क्या लगता था वैसे कि IIT-JEE से ये मिल सकता है ये मिल सकता था? मतलब जो होता है ना, जैसे मैं बताऊँ, मेरे को भी 10th क्लास में पता चला था IIT-JEE के बारे में, अपने ट्यूशन में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मेरे मतलब उनका बेटा था वो IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहा था, तो तब मेरे को पता चला था। तो जो हाइप बन रखी होती है कि मतलब इतना सब कुछ मिलता है, तो क्या क्या था वो, मतलब तुम्हारे साथ भी था हाइप वगैरह? हाइप तो बहुत थी, बात ये थी कि IIT जाओगे तो प्लेसमेंट लगेगी, खूब पैसा मिलेगा। IIT तो नहीं जा पाए, DTO में बैठे हैं, बाकी आप समझ ही जाओ। अच्छा, तो मतलब पैसा था मेन, है ना, पैसों के लिए बंदा पढ़ता है और किस लिए पढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उत्सव भाई का यही कहना है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यार कोचिंग, मतलब उत्सव यार तूने कोचिंग कब स्टार्ट करी थी वैसे? कोचिंग यार मैं 9th 10th में, जैसे वो होता है ना CBSE की ट्यूशन वगैरह। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहीं पढ़ने जाता था, वहाँ कुछ नहीं, NCERT के बैक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा के खुश हो जाते थे। अच्छा। ऐसे ही 11th में भी था, हाँ। बैक एक्सरसाइजेस NCERT वगैरह कर रहे थे, कुछ मतलब एंट्रेंस वगैरह के जो मेंस में आता है उसका तो कुछ होश था नहीं 11th तक। 12th में फिर जाके खुद से थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि 12वीं के बाद NCERT से तो कुछ होगा नहीं, और
मेंस करना पड़ेगा. तो फिर खुद से मैंने क्या कहते हैं पहले सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी. उसके बाद जुलाई में जाके मैंने एक कॉरेस्पॉन्डेंस मॉड्यूल्स आते हैं तो मैंने फिटजी का वो ले लिया और टेस्ट सीरीज ले ली. तो मैं वो मॉड्यूल करता था और बाद में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई तो मैं टेस्ट सीरीज देता था जो कि फिटजी के बच्चों के साथ ही होती थी. उससे मेरे को अपनी रैंक पता लगती रहती थी और मतलब थ्योरी तो मैं खुद घर पे कर ही रहा था मॉड्यूल से और बुक्स वगैरह से. अच्छा तो मतलब सारा खुद ही करा जैसे मतलब खुद ही था थ्योरी वगैरह क्वेश्चंस वगैरह खुद ही सॉल्व करे. हाँ पैकेज से अच्छा, करता था. और मेरे पास एज सच कोई टीचर्स थे नहीं जो डाउट्स भी सॉल्व कर देते थे. अच्छा, तो डाउट्स भी नेट से इंटरनेट से ढूंढ के निकालने पड़ते थे. अच्छा और उत्सव भाई पढ़ने का टाइम क्या रहता था मेन? भाई दिन में मैं सोता था स्कूल में कम जाता था. मतलब हफ्ते में 5 में से 3-4 दिन चला जाता था. ऐसी बात नहीं है स्कूल में मजे करने. फिर मतलब रात को पढ़ता था मैं 11 से 3 तक पढ़ता था. उसमें मस्त आराम से गाने सुनते सुनते फिर 3 बजे के बाद अपनी कोई वेब सीरीज देख के फिर सो जाता था. अच्छा और मतलब लगभग कितना दिन हो गया दिन में पढ़ने का? 4-5 घंटे? हाँ 11 से 3 तो हो ही गया. और मतलब वैसे ट्यूशन भी जाता था. उन ट्यूशन अच्छा। में CBSE पढ़ने जाता था. फिर अब ऐसा था CBSE तो बाद में भी संभाल लेंगे. ये अच्छी बात नहीं है आप CBSE भी पढ़ना. CBSE बाद में संभाल लेंगे. और ट्यूशन में जाके फिर मस्ती करता था बाकी दोस्तों यार के साथ. ऐसे पढ़ने के लिए तो नहीं जा रहा था मैं ट्यूशन क्योंकि वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही थी. अच्छा मतलब 11th में ज़्यादा वो सीरियस नहीं थे फिर 12th में आके सीरियस हो गए हैं? 11th में भी वही 10वीं वाला मजाक चल रहा था. 11th में बस ये क्या पास हो जाएंगे 70-80% 11th में बहुत होती है. अच्छा तो वो एक सोच के जा रहे थे. घर वाले भी थे ठीक है कुछ तो कर ही लेगा. फिर 12वीं में खुद लगा यार कुछ तो और भी करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है मतलब वही होता है खुद एहसास मिल गया था कि हाँ करना है भाई. एहसास कह लो कुछ कह लो पैसा चाहिए. अच्छा और संयम भाई आपके साथ क्या सीन था वैसे 10th के बाद? मतलब मैं भाई 11th में गया तो भाई मेरे कोचिंग के टीचर्स तो अच्छे थे बट बच्चे चूत. तो मतलब इलैबोरेट करोगे थोड़ा? मतलब कोचिंग में मतलब ऐसे बच्चे थे नहीं पढ़ने वाले. मतलब ट्यूशन ही जाते हैं ना जो जो सीबीएसई की ट्यूशन होती है. हाँ तो वहाँ पे बच्चे थे नहीं पढ़ने वाले. तो भाई वही होता है अगर प्रोफेसर आएगा क्लास में बच्चे ही नहीं पढ़ रहे तो प्रोफेसर का भी मन नहीं करता पढ़ाने का. तो भाई सबके नंबर आ रहे थे 80-80-80, 90-360 में से. और मेरे अगर 100 आ रहे थे मैं खुश था. मैंने कहा इन सबके तो 80 आ रहे हैं ठीक है सही ही कर रहा हूँ मैं. अच्छा। क्योंकि दुनिया से बेखबर था मेरे को पता नहीं था भाई कितने नंबर पे क्या मिलता है. सही बात है. और मेरे एक घर के पास ही भैया थे उनको 120-126 कुछ नंबर पे उनको NSIT मिला था. अच्छा। मैंने कहा 120 नंबर पे तो बढ़िया कॉलेज मिल जाता है अभी 100 आ रहे हैं थोड़ा सा और खींचेंगे. फिर भाई KVPY का नाम सुना मैंने. तो मैं अपने केमिस्ट्री वाले सर पे गया. मैं सर ऐसा ऐसा है अक्टूबर में गया मैं. मैंने कहा तब तक मैं खुश था मेरे बहुत टट्टी नंबर आ रहे थे पर मैं खुश था क्योंकि बाकियों के मेरे से टट्टी आ रहे थे. तो मैं गया केमिस्ट्री वाले सर पे. मैंने कहा सर ऐसा है मेरे को ना KVPY करना है. सर कैसे करूँ? 1 महीना है प्रिपेयर करना है. सर ने कहा बेटा ऐसा है तुम्हारी औकात से बाहर की चीज़ है. अच्छा रहने दो टाइम वेस्ट मत करो अपना पढ़ लो. अच्छा अब भाई मैं नादान बालक दुनिया से बेखबर. मैंने कहा नहीं अब तो KVPY निकालना है कुछ हो जाए सर के मुंह पे ला के दिखाऊंगा सर ये देखो KVPY हो गया. मतलब चार्ज अब बिल्कुल. हाँ एकदम चार्ट. अब मैं मतलब 11th में फिर मैंने बायोलॉजी की भी NCERT पढ़ी थी पूरी. अच्छा PCBM थी? नहीं PCM थी. अच्छा, मैंने बायोलॉजी की NCERT पढ़ी पूरी खुद से नोट्स बनाया. मैंने कहा KVPY करना है. ठीक है नहीं हुआ. अच्छा मेरा भाई मतलब मेरा कितना मेरे 48 थे या 49 थे मेरा 1-2 नंबर से रह गया था मतलब एग्जाम रह गया था. अगले साल फिर बहुत ज़्यादा नंबरों से रह गया था 12th में. ठीक है मैं सर के पास आया. मैं सर KVPY नहीं कह रहा था नहीं होगा. अच्छा JEE का पढ़ लेते कुछ हो जाता. हाँ तो अब और बेइज्जती होगी. फिर मैंने कहा यार अब तो JEE का करना है अच्छे से करना है. मतलब 11th वेस्ट हो गई थी लगभग ऐसा लग रहा है. 11th नवंबर तक मैं चिल था एकदम. नवंबर तक? हाँ. अच्छा ठीक है. KVPY तक मैं बिल्कुल चिल था. मैं मतलब क्यों क्योंकि मेरे आसपास वाले कुछ नहीं कर रहे. अच्छा तो उसके बाद अंधों में काना राजा है. हाँ ऐसा नहीं है सारे अंधे थे. हाँ, एक दो थे. अच्छा एक दो थे ठीक है. हाँ तो उसके बाद भाई फिर मैं सही से पढ़ा. मैंने कहा यार अब तो चलो फोड़ना है. फिर जाके दिसंबर से थोड़े बहुत सही मार्क्स आने चालू हुए मेंस में रिस्पेक्टेबल. फिर साथ साथ मेरे साथ एक दो और बच्चों की ग्रोथ हुई. फिर ये था कि हम खुद से करके सर के पास जाते थे डाउट लेने. सर का मूड हुआ तो डाउट करा दिया. नहीं था नहीं कराया. केमिस्ट्री वाले सर से मेरी भसड़ रहती थी. अगर केमिस्ट्री वाले सर ने मेरे को ना सुनाई होती तो मैं अभी IP में होता. अच्छा मेरी केमिस्ट्री वाले सर से भसड़ थी एक
मतलब ईगो पे बात आई हुई थी इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अच्छा वरना मेरा ना होता कुछ। फिर वीएमसी का मटेरियल लिया, वहाँ पे टेस्ट वेस्ट लिया, तब जाके मुझे औकात का अंदाजा हुआ सही से। अच्छा, रैंक आ रही है, साला पढ़ना पड़ेगा, और वीएमसी का कॉरेस्पॉन्डेंस लेना सही डिसीजन था। अच्छा ठीक है, मतलब देखो यार अगर आप पैकेज वगैरह से सॉल्व करते हो तो एक पूरा पाथ मिल जाता है आपको, है ना। देखो तो वही चीज है, कोचिंग जाना जरूरी नहीं यार, सारा सेल्फ स्टडी मैटर करता है ना। सेल्फ स्टडी भाई मेरे लिए तो कोचिंग वाले भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, पर सेल्फ स्टडी वाले भी कर देते हैं, आईआईटी भी कर देते हैं, हमसे तो नहीं हुआ पर हो सकता है हमसे नहीं हुआ लेकिन। हाँ देखो मेन बात ये है, अगर आप कोचिंग जाते हो तो यार आपको वो पढ़ा देंगे, लेकिन एट द एंड आपको घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप खुद से कर सकते हो जैसे यार दोनों ने करा तो भाई वो भी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही जाना है, आप कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हो, आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं यार, देखो ये तो हो गई इलेवेंथ ख़त्म, इलेवेंथ में संयम भाई को भी ज़्यादा नहीं आता था, है ना, और उत्सव भाई को भी नहीं आता था ज़्यादा, तो अब आते हैं ट्वेल्थ। अब ट्वेल्थ में क्या हुआ? ट्वेल्थ की स्टार्टिंग में मतलब समर वेकेशन में भी कुछ नहीं, समर वेकेशन में वही अपना सुबह 6 बजे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, शाम तक खेल रहे हैं, थोड़ी बहुत ट्यूशन में थोड़ी बहुत हो रही है, वही हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हो रहा। अच्छा। ट्यूशन गए, सीबीएसई पढ़ा, होमवर्क था तो कर दिया, स्कूल का कुछ ऐसा होमवर्क मिलता नहीं है इलेवेंथ के बच्चों को, ट्वेल्थ के बच्चों को, तो ऐसी वेल लेते। फिर जुलाई में जाके फिर क्या हुआ, जब स्कूल खुले वापस से तो जुलाई में ट्वेल्थ में स्कूल में अलग सी हवा हो गई कि भाई आई आई टी सब फिटजी कर रहे हैं, सब फिटजी के मॉड्यूल कर रहे हैं, सब ने उतना कर लिया, उतना कर लिया, अलग अलग थ्योरम सुनाई दे रहे हैं जो मेरे को पता ही नहीं क्या भाषा है, दूसरी लैंग्वेज में बात हो रही थी। फिर मैं क्या यार मैं भी कुछ कर लेता हूँ, कुछ हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहते हैं, एक रैंकर स्टडी मटेरियल होता है फिटजी का, आरएसएम पैकेज कहते हैं, तो वो लिया, उसके साथ टेस्ट सीरीज़ एआईटीएस टेस्ट सीरीज़ मिली थी। टेस्ट सीरीज़ जाके कहीं अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, और आरएसएम का पूरा चैप्टर वाइज मॉड्यूल होता है, तो मैं उस पर टिक लगाता रहता था, जोन जोन से चैप्टर होते थे, उसमें थ्योरी भी होती है, क्वेश्चन भी होता है, वैसे ही जैसे फिटजी का होता है वीएमसी का भी होता है। वीएमसी वाला बेटर होता है मैंने सुना है, फिटजी वाले में कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिनका फ़ायदा नहीं था, उसमें टाइम वेस्ट काफ़ी हुआ था। तो मतलब तूने पहले वीएमसी का लिया था उसके बाद? नहीं, मैंने तो फिटजी का ले लिया था। अच्छा। एक ही दम जोश में बिना सोचे, कुछ पता था नहीं, मैं क्या फिटजी का सबसे ज़्यादा नाम चलता है। अच्छा, तो ले लिया। फिर बाद में जब मैंने वीएमसी नारायण और सबके कंपेयर करे तो पता लगा वीएमसी का अच्छा है, उसके बाद नारायण और फिटजी का तो काफ़ी बेकार था। अच्छा। फिर मैंने मेरे जो दोस्त उनमें पढ़ते थे उनसे भी मैंने उनके मॉड्यूल्स मांगे और फिर खुद ही घर पर सॉल्व करता था। और ज़रूरी एक और चीज़ होती है कि जैसे पिछली कुछ वीडियोस में भी बताया जी भाई ने कि पीयर ग्रुप ज़रूरी होता है, तो मेरा एक दोस्त था, हम दो ऐसा करते थे कि हम स्कूल की छुट्टी मार देते थे और अपने ट्यूशन में जाके वहाँ बैठे रहते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। अब जैसे हमने स्कूल की छुट्टी मारी है तो हम 11 बजे अपने ट्यूशन पहुँच जाते थे, भले ही क्लास चल रही हो किसी की, हम दो सीट पकड़ के बैठे रहते थे, तो 3-4 घंटे तब पढ़ लिया, उसके बाद बाहर खा पी के आए, फिर शाम को हमारी ट्यूशन की क्लास होती ही थी, तो ट्यूशन की क्लास ले लिया, ट्यूशन की क्लास में टाइम पास कर रहे हैं हम दोनों, उसके बाद घर जाके खा पी के फिर मैं उसको फ़ोन मिला देता था या उसका आ जाता था कभी कभी, फिर रात को फ़ोन लगा रहता था और बातें करते करते डाउट्स भी साथ में हो रहे हैं और क्वेश्चन भी साथ चलते रहते थे। अच्छा। तो उससे काफ़ी फ़ायदा पड़ा था मतलब। अच्छा, मेन चीज़ यार जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं अगर हमारे डाउट आएंगे तो हम किससे पूछेंगे, ऑनलाइन स्टडी में भी यही होता, तो मतलब डाउट्स वगैरह कैसे क्लियर करे थे? डाउट्स यार अगर मैं टीचर के पास लेके जाता था तो वो बोलते थे कि हम तुम ये क्या कर रहे हो, जो हमने दिया है वो करो, और वो उनका मॉड्यूल होता था एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस जो हैं वो स्टेटमेंट वाले होते थे, उनको एमसीक्यू में बना के दे देते थे। अच्छा। उसका सोल्यूशन नेट पे है ही, तुमसे क्यों पूछूंगा। ठीक है। और फिर दूसरा करो तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उनसे फिर मैं पूछता नहीं था। अब ऑनलाइन भी सारे नहीं मिलते थे, तो मेरा एक दोस्त था वो नारायणा जाता था। अच्छा। उसने क्या कर रखा था, एक ऐप होती है टॉपर डाउट। अच्छा। उस पर तुम किसी भी क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दो ना, तो उसके पीछे ऐप में दूसरे एंड पे कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट बैठा होता है जो मतलब जिसको ये सब आता है, जिसकी स्पेशलिटी है, तो वो तुम्हें चैट पे ही डाउट क्लियर कर देता है। तो मैंने उससे उसका आईडी पासवर्ड मांग लिया और फिर मैं उस पर कुछ डाउट क्लियर कर लेता था, पर वो मेरा जाके एंड के 1-2 महीने ही मैंने यूज़ किया, वरना मैं इंटरनेट पे देखता था या फिर बुके में ही मत्था मारता था पेज पलट पलट के। अच्छा ठीक है। और तो यार देखो अब जैसे 12th का टाइम चल रहा था,
अब इलेवेंथ का कैसे प्रिपेयर करा था फिर सारा? इलेवेंथ का फिर वही ट्वेल्थ के साथ में जैसे ऐसे मेरी ईमानदारी से बोले तो कोई ऐसे स्टैंडर्ड स्टडी नहीं थी कि भाई चैप्टर वाइज चल रहा है, आज जो मन कर गया वो कर लिया, क्योंकि स्कूल का भी कोई जो चैप्टर चल रहा है उसका स्कूल का तो कुछ अंदाजा था नहीं मुझे। स्कूल सिर्फ मस्ती करने जाता, स्कूल जाता था तो क्लास टीचर को पता होता था अगर आज ये स्कूल आया है तो ये चार पीरियड तो सोएगा। अच्छा। और ट्यूशन में भी ऐसे ही था, जो चैप्टर चल रहा है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपना अलग चलाता था। अच्छा। तो फिर वही बात होती थी, आज जो करने का मन है वो उठा लिया, ऐसे ही इलेवेंथ का भी उठा लेता था ट्वेल्थ का भी। एक वो वाली समराइज स्टडी नहीं थी, वो होनी जरूरी है, मेरी नहीं थी वैसे। अच्छा, होती तो और फायदा हो सकता था। अच्छा, तो यार देखो एंड टाइम पे क्या करा था वो बाद में पूछेंगे, पहले संयम भाई का एक्सपीरियंस जान लेते हैं। संयम भाई आप बताओ, ट्वेल्थ में आने के बाद कैसे निकली जर्नी आपकी? इलेवेंथ कैसे रिवाइज किया? इलेवेंथ तो हो गई थी, फिर ट्वेल्थ में जब आए तो मतलब एक होता है ना, मतलब तुम्हें तो वैसे दिसंबर से ही समझ आ गया था हाँ भाई आईआईटी करना है मेरे को। फिर स्टार्टिंग से पता था आईआईटी की औकात नहीं। अच्छा ठीक है, पता था, कभी आईआईटी का मैंने सपना भी नहीं देखा। सेम। अच्छा। मुझे पता था आईआईटी नहीं होना, आईआईटीएंस भाई वो मतलब बिल्कुल हो गया ना, अगर तुम ग्राफ पे इंटेलेक्ट और मेहनत देखो तो दोनों एक्सिस के टॉप पे आते हैं। नहीं लेकिन यार एक पल तो ये दिमाग में आता है ना, मैं आईआईटी में भी तो जा सकता हूँ, नहीं है स्टार्टिंग से ही? बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या रहूँ ना, जब नादान था। अच्छा। जब दुनिया से अनअवेयर था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर जब मैं देखा कि साला अपना 220-240 नंबर ला के भी तुम्हारी 250-150 रैंक आ रही है वीएमसी में, ऐसे दसियों कोचिंग सेंटर हैं, आईआईटी तो नहीं हो रहा। आईआईटी अगर हो भी जाता तो कोई मतलब बेकार सी ब्रांच मिल जाती। मेरी एडवांस में मेरे ख्याल से 11-12 हज़ार रैंक थी मेरी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं मिलता। हाँ ठीक है ठीक है। तो बाकी ट्वेल्थ में मेरा यही था अपना, मेरा मटेरियल सेट था प्रीवियस ईयर्स 38 ईयर्स और अपना एच सी वर्मा फिजिक्स के लिए, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथ्स के लिए। अच्छा। और केमिस्ट्री के लिए यार एक और किताब थी, मैं ऑर्गेनिक तो ओपिटंडन थी, एक और किताब थी मोटी सी थी, उसमें एमसीक्यू थे आसान आसान से बहुत सारे, मेरे को नाम नहीं याद उसका। ठीक है ठीक है ठीक है। उनसे करता था और बाकी यही था कि अपना जैसे वीएमसी के टेस्ट आते रहते थे तो टेस्ट दिया और टेस्ट का पूरा एनालिसिस कर लिया कि यार किस टॉपिक से मेरे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, वो टॉपिक रिवाइज कर लिया, तो उसी में मेरा इलेवेंथ हो जाता था। अच्छा ठीक है, मतलब अगर बोला जाए तो ट्वेल्थ में तुमने वीएमसी के पैकेजेस लिए थे ना? हाँ, तो मतलब पैकेजेस से खुद ही सॉल्व करके सेल्फ स्टडी करके। हाँ मेरा यार ये था, मान ले वीएमसी का पैकेज सॉल्व करा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर मेरे स्कूल में सारे टॉपर थे, बढ़िया बढ़िया बंदे थे काफी। हाँ, हाँ। तो मैं उनके पास जाता था भाई डाउट सॉल्व कर दे, 80% मेरे डाउट्स वहीं सॉल्व होते थे स्कूल में। मंडे ट्यूसडे जाता था मैं स्कूल बस, हाँ क्योंकि उस दिन लैब होती थी। अच्छा अच्छा ठीक है। और बाकी फिर जो बचते थे जो उनसे नहीं होते थे तो मेरे टीचर्स हेल्पफुल थे, मेरे डाउट्स क्लियर कर देते थे। जो ट्यूशन टीचर थे, ट्यूशन टीचर वो मतलब सही थे, टीचर्स में कोई कमी नहीं थी। अच्छा ठीक है, वहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट था नहीं पढ़ने वाला। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो ये तो था यार मतलब संयम की और उत्सव की जर्नी कैसे रही इलेवन ट्वेल्थ में। अब यार पूछते हैं एंड टाइम पे क्या करा था, है ना, मतलब आप लोग काफी पूछ रहे हो जैसे अभी कुछ टाइम बाद मेंस आने वाले है ना, तो क्या करा था मतलब उत्सव और संयम ने, तो पूछते हैं पहले उत्सव से पूछते हैं, उत्सव एंड टाइम पे क्या था मतलब क्या? एंड टाइम पे लास्ट के फेब में तो चलो वो होता है, फेब में सीबीएसई पढ़ना चाहिए, फेब में नहीं उठाना चाहिए कुछ भी। उसके बाद तो जितने पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने करो, पेपर सॉल्व करो एनालिसिस करो, पेपर सॉल्व करो एनालिसिस करो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का टाइम गया। अब पेपर सॉल्व करके जो ज्यादा आ रहे हैं वो चीजें करो, कुछ टॉपिक होते हैं वो तुम्हें नेट पे भी मिल जाएगा। कि इस टॉपिक का एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, जैसे मैथ्स में बुलियन अलजेब्रा का होता है, स्टैट्स का होता है, तो उनका एक ना एक इजी क्वेश्चन आता है, उनको पकड़ो, जहाँ पे स्कोर कर सकते हो वहां तो पक्का करो। अच्छा। और पेपर ही करो लास्ट के एक महीने में तो, क्योंकि थ्योरी करके कुछ फायदा नहीं है उसके बाद। अच्छा, अब जैसे कुछ बंदों का टॉपिक्स भी छूट जाते हैं तो वो करने चाहिए एंड टाइम पे, क्या लगता है? अब इसीलिए तो मैंने कहा कि जो जरूरी टॉपिक्स हैं और इजी में भी आते हैं जिसका क्वेश्चन आना ही, वो कर सकते हो तो जल्दी कर लो, वरना नई नई चीजें उठाने का कोई फायदा नहीं। जैसे मेरे को याद है फिजिक्स में मेरे को वो नहीं आता था, एक ना टाइम कांस्टेंट वाला कुछ होता है जिसमें टाउ में ई की पावर में कुछ कुछ जाता है, उसका मेरे को आइडिया नहीं था। हाँ, डैम्ड ऑसिलेशन का तो मुझे पता नहीं था। अब मैं सीखता तो उसमें टाइम लगता, मैं आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, छोड़ दो बाकी में तो ध्यान लगाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब जो आता है अभी जैसे एक हफ्ता रह गया तो पेपर से सॉल्व करो यार, है ना, मतलब जैसे हमारे सर ने बोला था कि जिस टाइम पे पेपर है उस टाइम पे पेपर सॉल्व करने की आदत बनाओ, तो इससे ज़्यादा फायदा रहेगा। और संयम भाई आप बताओ अपना एक्सपीरियंस।
भाई जनवरी तक अपना वो कर रहा था वीएमसी का मटेरियल। फेब में मैंने सीबीएसई उठाया था, अच्छा उसमें भी फेब में एक महीने भाई की शादी थी, तो 5-6 दिन तो भाई की शादी में नाचा, फंक्शंस वगैरह घर में ही थी शादी, तो फेब सीबीएसई को दिया। उसके बाद फिर सीबीएसई होने के बाद भाई वही प्रीवियस वगैरह करे, प्रीवियस एनालाइज करे, जैसे उत्सव भाई ने बोला अगर तुम्हारा रोटेशन छूट रखा है तो तुम सीबीएसई के बाद रोटेशन तो करोगे नहीं आखिरी दिनों में। तो वही है अपना बुलियन अलजेब्रा, जो मतलब 4-5 आवर्स के टॉपिक्स हैं, अगर वो नहीं हो रहे निपटा लो खत्म करो। पॉलीमर बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह, हाँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, और जिनसे क्वेश्चन आता हाँ है, जिनसे क्वेश्चन आता है और इजी होते हैं, जो तुम्हें पता है तुम 4 घंटे में मास्टरी कर लोगे वो कर लो। बाकी भाई हमसे खुद से कुछ हुआ नहीं ज्यादा, इसलिए कोई और हो बंदा क्वालिफाइड तो देख लें। हाँ तो मतलब वहीं यार मैं काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था इन लोगों को, लेकिन भाई लोग थोड़ा शर्मा रहे थे, क्यों? क्योंकि यार इन्होंने सोचा हमसे आईआईटी नहीं हुआ तो हम लोग नहीं है कुछ भी। तो यार क्या ही बोलूँ भाई, अब नहीं हुआ आईआईटी जो है, पर खुश है यहाँ पे अच्छे दोस्त मिले, भाई मिले हैं, सीएम भाई मिले हैं, हमें सिखाते रहते हैं, सब पढ़ाते रहते हैं, खुशी है इस बात की। आईआईटी में ऐसे नहीं मिलते भाई, जो मिल गया वो अच्छा है, जो मिल गया अच्छा है, अच्छा बनाना पड़ेगा। तो यार अब मेंस का पेपर दिया, उसके बाद क्या था एडवांस के लिए, मतलब है भाई उत्सव? एडवांस के लिए मेरा ऐसा था कि मैंने ये सोच रखा था अगर मेंस में अंडर 6000 रैंक आएगी तो मैं एडवांस का अच्छे से पढ़ लूंगा। अच्छा। फिर मेंस की आंसर की निकली, उतने नंबर बने नहीं जितने 6000 के लिए चाहिए थे उस टाइम। अच्छा। बहुत कम बने। हाँ। मतलब इतने ही बने कि DTU मिलता। तो फिर मैंने क्या, अब इतनी पढ़ाई तो होनी जाएगी एक महीने में कि 3000 रैंक आ जाए या कम आ जाए, वही मिलेगा जो अभी मिल रहा है मेंस के थ्रू ही मिलेगा। तो मैंने एडवांस का पढ़ा ही नहीं, एडवांस के पेपर में मैं बस पेपर देने गया था, कुछ पढ़ के नहीं गया था। अच्छा अब सही है, मैं तुम्हारा बताओ अपना केस। मैं भाई मेंस दे के आया तो भाई वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। क्या क्या हो गया वैसे? मेरा ना भाई मतलब थोड़ी सी मतलब एंग्जाइटी सी है, मतलब मेरा कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मेरे जितने नंबर आए मैं उतने ही डिजर्व करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये बात है। ठीक है। तो अब सीन ये हुआ कि मैं ना भाई बहुत तेजी में करता था क्वेश्चन बिना बात के। अच्छा। मेरे को बस ये था कि क्वेश्चन आया खत्म कर दो, पढ़ने से पहले खत्म कर दो। अच्छा, हाँ। तो भाई वो जल्दी जल्दी में सीन ये हुआ कि क्या कहते हैं, मतलब जिस दिन मैं आया और मैंने आंसर की चेक करी तो मैंने देखा कि यार 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने OMR में ठीक कर रखे हैं और उसमें गलत कर रखे हैं। नहीं मतलब क्वेश्चन पेपर में सही टिक करे थे मैंने, OMR में गलत। मैं घर आया तो मैंने करा चेक, मैंने क्वेश्चन पेपर से चेक करा, मेरे बन रहे थे 182। अच्छा। तो मेरे को याद था यार 4 क्वेश्चन तो ये मैंने मतलब मैंने देखा इसमें सी करा है, यहाँ पे यार बी कर दिया मैंने सर। मैंने कहा यार शिट, चलो 4 क्वेश्चन मेरे को पता था। अब भाई मैं मेन से पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 प्लस आ जाएंगे, 200 प्लस तो लाने हैं आज, नहीं आए। अच्छा। औकात नहीं थी लाने की, कोई बात नहीं, अंडर प्रेशर नहीं कर पाया मैं उस दिन, काफ़ी मातम बनाया मैंने। मैंने कहा कोई नहीं अब मेंस के थ्रू मिलना है जो मिलना है। तो जल्दी में क्वेश्चन होते नहीं मेरे से, तो बिट्स का तो सवाल उठता ही नहीं। एडवांस में ये टाइम होता है क्वेश्चनों के लिए, क्या पता कुछ हो जाए, 1.5 महीना उम्मीद नहीं थी मेरे को, पर ऐसा चलो एक बार रिस्क ले लेते हैं, कर लेते हैं। फिर वही मैंने VMC का जो एडवांस का मटेरियल था मैंने वो पूरा सॉल्व करा था। अच्छा। रिजल्ट आया तो पता चला 2 क्वेश्चन और गलत थे। अच्छा। OMR में। अच्छा। तो मेरे 172 आए। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जो चॉइस फिलिंग थी जैक की मैंने उसमें भी। अच्छा। तो अभी मैं DTU सॉफ्टवेयर में हूँ। अच्छा, तो सयम भाई ने क्या करा था कि IIT और सॉफ्टवेयर में थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, है ना, इसीलिए सॉफ्टवेयर मिल गई। और उत्सव भाई आपके अगर बताना चाहो तो बता सकते हो नंबर वगैरह। मेरे मेंस में 167 बने थे, उससे ज़्यादा बन नहीं सकते थे, उतना ही आता था। मेरा तो ऐसे था कि मेरा पेपर मैं दे के आया, उसके बाद जब एक स्टैट्स निकलता है कि ऑनलाइन पेपर, मेरा ऑनलाइन था तो ऑनलाइन पेपर काफ़ी सारे होते हैं, तो 4 ऑनलाइन पेपर थे और 1 ऑफलाइन था, 4 या 5 थे। तो एक स्टैट्स निकला था कि 2nd डे का जो इवनिंग बैच का ऑनलाइन पेपर था वो सबसे ईजी आया था, और किस्मत से वही मेरा था। अच्छा। तो इससे किस्मत भी उस दिन साथ ही थी, तो उससे ज़्यादा आ नहीं सकते थे। अब जितने आ गए उसमें खुश होना था। बिट्स का ऐसा था कि मैंने ये सोच रखा था कि बिट्स का भी करूँगा, लेकिन जब मेंस ख़राब हो गया तो बिट्स का मन नहीं हुआ।
बिट्स में मेरे मार्क्स मेरे को याद नहीं, बिट्स में मेरे को मैकेनिकल मिल रही थी, फिर मैंने DTO में सॉफ्टवेयर मिली थी, फिर अपग्रेड होके IT हो गई, तो वही लिया मैंने। अच्छा, और लास्ट मतलब लास्ट तो क्या है, क्वेश्चन एक दो और पूछ लेंगे, ठीक है। तो उत्सव भाई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? यार फेवरेट सब्जेक्ट 10th तक तो मैथ्स था, क्योंकि नंबर उसमें खूब आते थे। फिर 11th 12th में नहीं लगा, CBSE में तो ठीक था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एंट्रेंस का मैथ्स समझ के बाहर था, कुछ आ नहीं रहा था उसमें, कुछ भी हो रहा था। क्योंकि फिर मैथ्स तो अब ऐसा हो गया था, हार मान ली। फिजिक्स अच्छा लग रहा था, लेकिन नंबर केमिस्ट्री में आ रहे थे, तो कुछ भी कह लो, सारा एक ही, सब एक ही जैसा हो गया था। मतलब फिजिक्स अच्छा था वैसे, हैं फिजिक्स ठीक लग रहा था, केमिस्ट्री तो सबका ही बढ़िया होता है, लेकिन तुम्हारा फिजिक्स बढ़िया था। फिजिक्स बढ़िया था। और संयम भाई आपका? भाई केमिस्ट्री में नंबर आ जाते थे, पर केमिस्ट्री से मेरे को सख्त नफरत थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मैं वो सब्जेक्ट कभी पसंद नहीं आया, मेरे को अभी भी नहीं पसंद। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स मैथ्स दोनों ही अच्छी लगती थी, फिजिक्स ज़्यादा पसंद थी। अच्छा, तो अब यार एट द एंड हम लोग पूछते हैं, जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए यार कुछ, मतलब उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, कुछ सजेशंस, क्योंकि ये पहले मेंस वालों के लिए बात करते हैं जिनका इस साल मेंस है, तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ बोलना चाहोगे यार? यार ज़्यादा तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम भी DTO में ही है, मतलब DTO भी अच्छा है काफ़ियों के लिए, वो भी तुम्हारा तुम DTO के लिए भी करते हो, लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि मेरा ड्रीम कॉलेज DTO है तो नीचे ही मिलेगा, सपने हमेशा टूटते ही हैं। तो ऊंचा सोचोगे तो थोड़ा नीचा मिल जाएगा उससे, नीचे ही सोचोगे तो क्या ही मिलेगा। अच्छा। तो अभी जिनका मेंस है जो 12th में है, जनवरी में भी होता है ना अब तो, तो जनवरी वाले तो पेपर ही सॉल्व करो, और तो कुछ नहीं। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए तुम एक वो आती है सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक आती है, वो सब बनाते हैं PCM, उसमें थ्योरी भी होती है और क्वेश्चन भी मतलब काफ़ी एडवांस्ड होते हैं उसमें। तो अगर तुम सिंगेज का पूरा पैकेज ले लोगे, 12-13 बुकों का पैकेज आता है, तो उसमें सारा सिलेबस होता है, मतलब वो अच्छा है पैकेज वैसे, वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, लेकिन उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, खुद से मेहनत, खुद से बहुत, हाँ वो ऐसे नहीं होता वो। अच्छा, हाँ, जैसे उसमें कोई भी उसमें इजी क्वेश्चन डालते ही नहीं वो। हाँ, वो अगर तुम ऐसा कहते हैं कि अगर तुम 12-13 बुक पूरी कर दो ना, तो तुम एडवांस के लिए भी तैयार हो जाते हो। अच्छा, अब मेरा तो नहीं, मैं तो नहीं कर पाया था, पर वो काफी अच्छी बुक है वो। इफ यू विन क्या बोलते हैं, लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड, तो थोड़ा गाइड तो कर सकते हो, ये बात तो है। ऐसे संयम भाई से पूछते हैं। My answer also the same, nothing difference. Okay. चलो ठीक है, तो यार अब बात करते हैं, ये तो था जो मेंस वालों के बारे में, अब जो तुमने वो बुक कौन सी पब्लिकेशन की, सिंगेज पब्लिकेशन, सिंगेज पब्लिकेशन, तो ये 11th 12th वालों के लिए थी कि मतलब ये कंप्लीट ऑलराउंडर कंप्लीट बुक है, तुम ये 12-13 बुक कर दोगे तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता, जहाँ तक मैंने पेपर स्टडी करे। अब तो वैसे थोड़ा बदल गया है, तो मैं थोड़ा 90% श्योर तो हूँ, लेकिन पता नहीं, सिंगेज पे काफ़ी कुछ था जो चाहिए था उससे ज़्यादा ही था। तो एक बार थोड़ा देख लेना कि तुम्हारे टॉपिक में क्या क्या है, सिलेबस में कुछ हटवा दिया हो तो अलग बात है। हाँ, बाकी उसमें सब होता है। और अगर तुम्हें सिंगेज काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, तो केमिस्ट्री में OP टंडन होती है, उसमें थ्योरी अच्छी होती है, और इनऑर्गेनिक के लिए JDLE होती है, और यार एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक थी यार, कौन सी थी वो, अबे वो बहन छोटी सी आर सी मुखर्जी। हाँ, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए RC मुखर्जी अच्छी होती है, फिजिक्स अब HC वर्मा बोलते हैं, HC वर्मा अच्छी है, और अगर तुम ज़्यादा जोर लगाना चाहते हो तो DC पांडे भी अच्छी है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं। HC वर्मा वो RD शर्मा अपनी ऑब्जेक्टिव वाली, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, और मैथ्स में RD शर्मा ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छी बुक है, वो कर लेंगे। और आर्काइव, पुरानी आर्काइव जो पुराने क्वेश्चंस हैं, वो तो करने ही है, वो तो मस्ट है। हाँ, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट होते ही हैं, नया कंसेप्ट आएगा तो अलग बात है, उसमें पुराने सारे कंसेप्ट हैं ही, और पर एंड में जब तुम पेपर करोगे ना, तो तुम्हें वही क्वेश्चन दिखेंगे, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, और पेपर में सारे पुराने क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाएंगे। हाँ, मतलब उससे बाहर तो कंसेप्ट क्या ही होगा यार, अब जो उससे बाहर कंसेप्ट है, उससे पुराना क्या ही होगा फिर, और अगर कुछ नया होगा तो सबके लिए नया होगा भाई। हाँ सही बात। मैं एक बात सारे व्यूअर्स को क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने और उत्सव ने कुछ पाड़ा नहीं है, हम दोनों भी मतलब एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम JEE के टाइम भी एवरेज स्टूडेंट्स थे, बस वो ये है कि हमने जो 2 सालों में हमारे को समझ आया वो एक्सपीरियंस बताया, हमने कुछ पाड़ा नहीं, हम टॉपर्स नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, अब एवरेज कॉलेज में है। थैंक यू। तुक्का चल रहा है।
तुक्का चल रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। तो मतलब यार कुछ जो गलतियां तुम्हें लगी होगी हमने अपने टाइम पे करी हो, मतलब लोगों को जैसे यार 11 से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए या कुछ ऐसा? 11 से पढ़ लो भाई, फायदा ही रहेगा। हमने तो नहीं किया, तो पढ़ लेते तो 5-6 नंबर फालतू आ जाते, तुम्हारे केस में ज्यादा भी आ सकते हैं, तो 11 से पढ़ लो, फायदा तो रहेगा ही। और कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मेन लोग पूछते हैं यार। हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं या कर ही लो, क्योंकि अगर तुम घर पे मतलब सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम कोचिंग के साथ भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि स्कूल तो हम भी जाते थे, कोचिंग ट्यूशन जो भी था जाना तो पड़ता ही था, क्योंकि घर वालों ने पैसे दे रखे थे। अब पैसे वसूलने के लिए उधर जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो वहाँ से घर पे फोन आएगा, घर वाले भी करेंगे, तो हमारा एक तरीके से टाइम तो था वो वेस्ट हो रहा था, तुम्हारा वेस्ट ना हो तो उसका फायदा ही है। हाँ, अब संयम भाई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोचिंग ज्वाइन कर लो, फायदा ही है, एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे पढ़ना है। और क्या कहते हैं, उत्सव कौर मेरा हमारा दोनों का एक्सट्रीम अपोजिट केस था गलती का। उत्सव भाई बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता था, मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, मैं फालतू का स्ट्रेस लेता था बिना बात का ज़्यादा ही, उस चक्कर में मेरे से मिस्टेक्स हुई। उत्सव भाई ने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया, वरना उत्सव भाई IIT मटेरियल है। ये बात तो है भाई, उत्सव भाई का दिमाग बहुत तेज है, ये सारी चीजें काल्पनिक हैं। नहीं ये बात तो है भाई, लेकिन उत्सव भाई थोड़ा चल रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना भाई, सब काल्पनिक है, इन्हें मजाक समझ के इधर उधर कर देना है सब। भाई टेंशन तो सही में नहीं लेता था, मैं क्या करता था पढ़ने के बाद कुछ वेब सीरीज देख लिया, कुछ मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था उस समय, 2.5 मैन देखता था, बिग बैंग थ्योरी देखता था और थोड़ा बहुत एनीमे देखता था, तो मेरे को स्ट्रेस तो नहीं होता था। सो गाइस ये तो था यार दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वरना अगर बेटर गाइडेंस चाहिए तो इनको इंस्टाग्राम पे DM कर लेते ना, ठीक है, और भाई टाइम हुआ तो ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और मैं इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यार लास्ट क्वेश्चन आप पूछते यार, मतलब DTU में आगे कैसा लग रहा है यार, क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है DTU, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ देखो कॉलेज कोई भी हो मज़ा आने लग जाता है जब दोस्त बन जाते हैं। हाँ कॉलेज का उतना फ़र्क नहीं, और तुम में अगर गुदा है तो तुम किसी भी कॉलेज से कुछ कर सकते हो, ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और IIT वाले भी बिना पैकेज के जाते हैं, IP वाले भी फोड़ते हैं, तो वो तुम्हारे खुद के बस की बात है, उसमें कॉलेज इतना कॉलेज का वो होता है सपोर्ट होता है, पर जब तक बंदे ही खुद की गुदा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा सही है भाई, आप DTU भाई DTU की जो मेरे को सबसे प्यारी बात लगी, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं, अगर कभी भी कोई भी नीड हो सीनियर्स को मैसेज कर देता हूँ, वो गाइड कर देते हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं, तो सबसे प्यारी बात यह है कि सीनियर्स अच्छे हैं। दूसरी प्यारी बात यह है कि अपना पीयर ग्रुप अच्छा, दोस्त अच्छे मिले। तो यार देखो ये सारी टेंशन 11-12 तक की होती है यार, ठीक है, उसके बाद कॉलेज में तो यूट्यूब चैनल होते हैं, नीजो अकेडमी और भगवान सर हैं भाई, भगवान सर ने तो मतलब लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, तो उनको प्रणाम, ठीक है, यही था यार, ठीक है, DTU के बारे में, 11-12 के बारे में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, घंटी भी बजा देना, ठीक है, तो ये उसका भाई की हमेशा डिमांड रहती है यार, घंटी बजाने के लिए बोलते हैं। टिल देन